हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, कुछ दिन पहले झारखंड सरकार की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट निकाला गया था, जिसमें बताया गया था कि पारा टीचरों का वेतन होगा डबल, 18 से 20 हज़ार रुपया प्रति महीना लगभग अक्टूबर सितंबर से देने वाली बात कही जा रही थी झारखंड सरकार की तरफ से। तो उसका बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की तरफ से, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 अगस्त 2018 के हिंदुस्तान पेपर रांची की तरफ से इसका अपडेट निकाला गया है। और इसमें बताया गया है कि वेतन मान के लिए पारा शिक्षकों की होगी परीक्षा। तो यहाँ पे जो सरकार की तरफ से अपडेट निकाल दिया गया है, झारखंड सरकार की तरफ से जो अपडेट निकाला गया, इसमें बताया जा रहा है कि अगर पारा टीचर का वेतन डबल किया जाएगा तो उनको परीक्षा देना पड़ेगा। तो क्या अपडेट निकाला गया इस न्यूज़पेपर में, हम आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। अगर आप पारा टीचर हैं तो हमारे वीडियो के साथ बने रहे, तभी आप जान पाएंगे क्या अपडेट झारखंड सरकार की तरफ से निकाला गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट जो है हिंदुस्तान पेपर की तरफ से निकाल दिया गया है, और इसमें बताया जा रहा है कि परीक्षा मॉडल तैयारी करने में जिम्मेवार शिक्षक विभाग को मिली वेतन मान के लिए पारा शिक्षकों की होगी परीक्षा। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि अब वेतन जो बढ़ाने का जो आदेश दिया गया था उसके लिए परीक्षा लिया जाएगा। तो परीक्षा का अपडेट निकाल दिया गया है, अब परीक्षा देना होगा। तो जो लोग परीक्षा में पास होंगे वही लोग का वेतन बढ़ाया जाएगा, और जो नहीं पास होंगे उनका वेतन लगता है नहीं बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें 7 साल की होगी अब TET के प्रमाण पत्रों की वैधता। तो जिनका भी प्रमाण पत्र एक्सपायर कर गया था, 5 साल का जिसका वैलिडिटी था, उनको 7 साल कर दिया गया है, 7 साल बढ़ा दिया गया। यहाँ पे 2 साल इसमें अपडेट किया गया है, और 69,000 पारा शिक्षकों को मिल सकता है तोहफा। तो ये अपडेट निकाला गया है झारखंड सरकार की तरफ से। आपको चलिए हम पूरा डिटेल बता देते हैं इसमें क्या क्या अपडेट निकाला गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, झारखंड सरकार 69,000 पारा शिक्षकों को वेतन के साथ स्थानीयकरण का तोहफा भी मिल सकता है। तो झारखंड सरकार की तरफ से ये अपडेट निकाला गया है कि पारा शिक्षक जो 69,000 पारा शिक्षक है उनको झारखंड सरकार की तरफ से स्थानीयकरण का तोहफा मिल सकता है। इससे पहले उन्हें एक परीक्षा पास करनी होगी, शिक्षा विभाग की ओर से होने वाली परीक्षा में पास करने वाले पारा शिक्षकों की तय की जाने वाली वेतनमान और स्थानीयकरण का लाभ मिल सकता है। पारा शिक्षकों की समस्या को समाधान के लिए गठित कमेटी की सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में बैठक हुई, इस पर औपचारिक सहमति बनी। बैठक में पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों ने बिना परीक्षा के वेतन देने की स्थानीयकरण की मांग की, जिसे कमेटी के अन्य सदस्य ने नकार दिया। कमेटी ने शिक्षा विभाग को पारा शिक्षकों की परीक्षा का मॉडल तैयार करने की जिम्मेवारी दी। इसके साथ साथ झारखंड पात्रता परीक्षा TET के प्रमाण पत्रों की वैधता 5 साल से बढ़ाकर 7 साल करने का भी सहमति बनी। इसके अलावा शिक्षक कल्याण कोष के गठन में हाई स्कूल के आदेश पर खाली पदों पर फिर से काउंसलिंग कराने पर सहमति बनी। बैठक में शामिल एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि चिंटू सिंह, सिकेश पाठक और बजरंग प्रसाद छत्तीसगढ़ की तर्ज पर अनुभव के आधार पर पारा शिक्षकों के समायोजन का आग्रह किया। बैठक में कमेटी के अध्यक्ष KK खंडेलवाल, प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह, झारखंड शिक्षा परियोजना राज्य के परियोजना निदेशक उमा शंकर सहित अन्य कई सदस्य मौजूद थे। तो ये अपडेट झारखंड सरकार की तरफ से निकाला गया, और बताया जा रहा है कि अगर पारा शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाएगा तो उनको एग्जाम पास करना होगा, और जिस कारण पारा टीचर की सभी कमेटी यहाँ पे विरोध कर रही है। लेकिन झारखंड सरकार की तरफ से अपडेट निकाल दिया गया है कि अब जो है वेतन बढ़ाने के लिए पारा शिक्षकों को परीक्षा देना होगा, तभी उनका वेतन बढ़ सकता है। आपको कुछ खास बातें हम बता देते हैं। पारा शिक्षक की संख्या टोटल झारखंड में 69,029 है। इसमें इंटर व प्रशिक्षित 8,200 है, इंटर प्रशिक्षित व टेट पास 8,800 है, मिडिल क्लास 6 से 8 इंटर व शिक्षित 9,800 है, इंटर प्रशिक्षित व टेट पास 10,200 है। तो ये टोटल पारा शिक्षकों की गिनतियां हैं, जो कि 69,029 शिक्षक टोटल पारा टीचर है, जिनको अभी 8 से 9 हज़ार रुपये वेतन दिया जा रहा है। तो यही अपडेट आज के न्यूज़पेपर में निकल कर आया है, और इसमें बता दिया गया है कि पारा शिक्षकों को अब वेतन डबल लेने के लिए परीक्षा देना होगा। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप पारा टीचर हैं तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, जल्द से जल्द इसका परीक्षा का अपडेट निकल जाएगा। तो जैसे ही निकलेगा वीडियो बनाकर मैं ज़रूर आपको बताऊँगा।
और आपको यह बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी रोज़ाना जॉब की अपडेट या फिर आप एजुकेशन की अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी वैकेंसी या फिर हम अपडेट आपको अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आप तक उसका सबसे पहले मिल सकेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही जानकारी दूंगा, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय।